पी केसरी जो है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल जज हूँ और विधिक सेवा प्राधिकार के तहत जुडिशियल मेंबर हूँ पटना विधिक सेवा प्राधिकार। उसी की टीम वहीं से भेजी गई, टीम आई है यहाँ किशनगंज प्रखंड का दौरा करने के लिए, जो है किशनगंज अनुमंडल डिस्ट्रिक्ट जो भी जो है। इसका मकसद है लोगों में जो है चेतना शिविर के जरिए जो है कानूनी ज्ञान देना। दूसरी बात है कि मुकदमे का बोझ कम करने के लिए लोगों को समझाना बुझाना कि सुलहनीय जो मामला है उसको निष्पादन कराया जाए, और उनका जो प्रॉब्लम है बिजली बिल का मामला है, बैंक लोन का मामला है, चाहे आप किसी का बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, किसी के अक्सर प्रति शिकायत है, या राशन कार्ड का मामला है, विकलांग सर्टिफिकेट का मामला है, इस तरह का मामला सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ तब वो मामलों को जो है संबंधित विभाग को रेफर करना, जहाँ तक हो सके समस्या का समाधान कराना मेरा यही मकसद है। लोक शिकायत कहाँ करेंगे सर? लोक शिकायत से जो है वो अलग ब्रांच है आपका प्रकार का, क्योंकि न्यायिक सेवा से नहीं, विधिक सेवा प्राधिकार से। लोक शिकायत तो एग्जीक्यूटिव लोग रहते हैं, इसमें न्यायिक सदस्य रहते हैं, हमारे साथ बोर्ड एडवोकेट मेंबर होते हैं विनोद कुमार मिस्त्री आए हैं, एडवोकेट मेंबर हैं पटना उच्च न्यायालय के जी, और उसके बाद सोशल वर्कर भी हमारे साथ एक है विकास कुमार जी, तीन आदमी का टीम रहता है, उसके अलावा स्टाफ वगैरह होता है, पटना से गाड़ी चलती है और लोगों को जो है समझाना बुझाना काम है। मुकदमे का बोझ न्यायालय से कम कैसे किया जाए, एडिट वगैरह भी कम हो, और समझा बुझा कर मुकदमा जो होने वाला है झगड़ा झंझट का उसको भी सुलझाते हैं हम लोग, जो हो गया है सुलझाने बात कब सुलझा। उसके अलावा सोशल वर्क में जो है बैंक लोन का काम है, चाहे और बिजली टेलीफोन बिल का काम है, बिजली बिल का काम है, बहुत गड़बड़ी असर आ रहा है काम में, उसको निम्न दूर करके डिफिक्स हटा करके अगर काम किसी का हो जाता है समझौता हो गया करवा देते हैं। जी मैं डॉक्टर रकीब आलम जामे मिला इस्लाम में, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसे कि आप सर बता रहे थे कि ये जो प्रोग्राम जो आप देखोगे नारसा लिखा हुआ है, नारसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कि दिल्ली में है, और उसके जो पेट्रोल चीफ जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चंद्रचूड़ जी, और उसी तरह से हर स्टेट में हर स्टेट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, तो बिहार में है बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो ये टीम बिहार से पटना से आई हुई है जी, और हर जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम होता है पूरे जिला में सारे लोगों के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के बारे में बताना, कायदे कानून के बारे में बताना, और जब क्या कहते हैं जो भी विवाद है एक साथ बैठ करके सुलझाना, उसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताना, बच्चों के सशक्तिकरण के बारे में बताना, मानवाधिकार के बारे में बताना, तो दो काम है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का। एक है अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस में आपका ह्यूमन राइट का अवेयरनेस यानी मानवाधिकार का अवेयरनेस, महिला का अधिकार उसका अवेयरनेस, उसके अलावा कानूनी जो है क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज़, आजकल हमको फंडामेंटल राइट से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। उसके बाद क्या कहते हैं वुमेंस राइट महिलाओं के अधिकार, इन सारे चीज़ों को जानकारी देना, साथ में जो भी विवाद है आपसी सहमति से बैठ करके सुलझाना। जैसे कि आज दो चीज़ है लोगों को अवेयर करना, और दूसरा जगह लोक अदालत मोबाइल लोक अदालत, जिस तरह से मोबाइल क्लिनिक चलता है उसी तरह से अदालत है, आपका न्याय सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय होगा वो न्याय आपको घर बैठे ही हो जाएगा। क्योंकि हमारे इस समाज में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के केस कर लेते हैं, केस करने के बाद वो केस बहुत लंबा चलता है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, बहुत परेशान हो जाता है। तो यहाँ के जनताओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, बल्कि नहीं पूरे बिहार के लोगों के लिए, बल्कि नहीं पूरे देश के लोगों के लिए, खासतौर से गरीब लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का चक्कर नहीं लगा सकते हैं, उसका न्याय घर बैठे ही होगा। और इस चीज़ के लिए मैं यहाँ के जनता से अपील करना चाहूँगा कि सरकार का है, सरकार कहने का मतलब सरकार है, पार्टी पॉलिटिक्स आती जाती रहती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या नारसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या ह्यूमन राइट कमीशन या वुमन कमीशन, ये सारा तंत्र रहेगा तो इससे आम जनता एक साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी करें। आज का तो प्रोग्राम कुछ ज़्यादा मन का है, लेकिन कल को प्रोग्राम आपका क्या है बहादुरगंज में है, तो बहादुरगंज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, कानूनी जानकारी लें और अपने समस्याओं को निपटारा करें। परसों प्रोग्राम ठाकुरगंज में है, आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करें, और जब यहाँ से पटना चले जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी किशनगंज में है, वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और चूंकि मैं यहीं से हूँ, किशनगंज मेरा घर है, कोचाधवन मेरा घर है, तो मैं इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ, बल्कि मुसलसल मैं 4-5 साल से समाज में कैसी बेदारी आए, बच्चे कैसे पढ़ें, प्लस बच्चों के अंदर में मॉरल वैल्यूज़ कैसे आए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ कैसे आए, इथिकल वैल्यूज़ कैसे आए, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कैसे आए, तो सरकार के साथ मिलकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट,
क्योंकि बच्चों को, हमारे सारे लोगों को हेल्थ की भी ज़रूरत है। और लीगल अवेयरनेस के लिए जो क्या कहते हैं, कल मैं पटना जो गया था, पटना में मैं सारे मिनिस्ट्री से मिला, एजुकेशन मिनिस्टर से मिला, उसके अलावा लॉ मिनिस्टर से मिला। तो एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए सारे के सारे लोग एक साथ जुड़े, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ये चाहती है कि सारे दुनिया के लोग तरक्की करके एक लेवल तक आ जाए। तो उन्होंने कहा था यूनाइटेड नेशन के, वी नीड ऑल पीपल वर्ल्ड एंड लाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर द बेटर वर्ल्ड। और कुछ दिन पहले मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू साहिबा से मिला था, वो भी बोले थी अच्छे समाज का निर्माण करने के सारे लोग एक साथ मिल करके काम कीजिए। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि सारे लोग, कहने का मतलब थी कि पॉलिटिकल पार्टीज अलग है, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, ह्यूमन राइट ये क्या कहता है कि भाई सारे लोग एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, ये तो कॉमन चीज़ है। एजुकेशन सब किसी के लिए है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, सारे मजहब के लिए है, सारे लोगों के लिए है, सारे रिलीजन के लोगों के लिए है। तो आपसी मोहब्बत हो, इसीलिए मैंने एक बना लिया हूँ, क्या कहते हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ मैन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो हर एक इंसान के अंदर में दुनिया में शांति लाने के लिए अपने अंदर में वैल्यूज़ का मतलब मॉरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, नॉलेज ऑफ फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वलिटी, ये सारा चीज़ जब लोग आ जाएगा तो इंसान क्या, तो हमारा समाज तरक्की करेगा। क्योंकि हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन नज़र आता है, एजुकेशन। और नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो मैं मैसेज देना चाहूँगा इस जिला के सारे लॉयर्स को, इससे जुड़े सारे डॉक्टर्स को, कि आप लोग हेल्थ के लिए जुड़े हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, खिदमत खल्क करते हैं ना, खिदमत खल्क, यह कि सोशल सर्विस इज ह्यूमन राइट। उसके अलावा सारे, बेसिकली मैं कहना चाहूँगा सारे टीचर को, क्योंकि टीचर ने समाज में बहुत बदलाव लेकर के आया। आप टीचर्स डे मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ वो पूरा देश का प्रबंध करते थे। और जहाँ तक अभी देख रहा हूँ जिस तरह से माहौल बिगड़ गया है, बच्चे बदतमीज़ हो रहे हैं, तो उसको सही लाइन में लाने के लिए माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समाज के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और तो और जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं किशनगंज जिला के सारे लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग जिला में आए और जिला में आकर के यहाँ के बेहतरी के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें। कोई हाँ कोई क्या कहते हैं, डायरेक्टली आप लोग जुड़ सकते हैं DLSA से, डायरेक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली क्या कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है हमारा जो हिंदुस्तान 3 तंत्र है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो डायरेक्टली आप BDO से, CEO से, डायरेक्टली जुड़ सकते हैं।